हम इस वक्त सिंघु बॉर्डर में हैं और मार्च का महीना शुरू हुआ है और दिल्ली में गर्मियों की शुरुआत भी हो गई है। तापमान लगातार बढ़ रहा है और किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। ऐसे में हम जानते हैं कि दिल्ली पुलिस की तमाम बैरिकेडिंग की वजह से पानी की समस्या यहाँ पर बहुत बड़ी हो रही है, क्योंकि टैंकर नहीं आ पा रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड की और यहाँ से भी पर्याप्त पानी नहीं है। तो पानी की समस्या से निपटने के लिए यहाँ पर किसान खुद समरसेबल लगवा रहे हैं और देखिए उसकी बोरिंग कर रहे हैं और ये तमाम किसानों के जरिए ये किया जा रहा है। कुछ संत महात्मा हैं वो चंदा दे रहे हैं क्योंकि लंगरों में पानी नहीं था और पीने के लिए भी पानी की समस्या हो रही थी। और गर्मियों में हम सब जानते हैं कि पानी का की जरूरत ज्यादा हो जाती है और इस्तेमाल ज्यादा करना होता है। आप कहाँ से, आपका नाम? मैं सर कुंडली से हूँ, राकेश गुप्ता नाम है मेरा। अच्छा सर, ये क्या पानी की समस्या हो रही थी यहाँ पे? सर पानी के बोरवेल यहाँ दो लगे हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन उनसे पूरा नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो बाबा जी से बात करके बाबा जी ने खुद अपने पैसों से ये लगवाया है। अच्छा जी भैया, ये बताइए कि ये पानी जो, ये जो ट्यूबवेल आप लोग ये माफ कीजिएगा समरसेबल लगा रहे हैं, इससे कितना पानी आप लोग का इंतजाम हो जाएगा? क्या दिक्कत हो रही थी पानी की वजह से? देखो पानी जैसे गर्मी आ रही है तो दिक्कत तो बहुत हो रही है, आपको पता ही है, क्योंकि यू नो वेरी वेल के आसपास के सभी जो किसान यहाँ पर रुके हुए हैं, क्योंकि गर्मी आते आते मतलब कि जो प्रॉब्लम आ रही है पानी की, पीने को ही नहीं पूरा होता, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नहाने के लिए है ना, तो जो हमारे संत बाबा मान सिंह जी पेवाले, संत बाबा मोहन सिंह जी लंगरा वाले हैं, तो उन्होंने एक बड़ा उपकार किया है कि पानी की दिक्कत को जो दूर करने के लिए यहाँ पर जो एक बोरवेल लगा रहे हैं ना, तो मतलब कि नेक्स्ट टाइम में मतलब कि कोई पता नहीं ये धरना कितना टाइम तक चलेगा, तो उसमें कोई दिक्कत ना आए, पानी की कोई प्रॉब्लम ना आए, चाहे वो नहाने को लेकर या पीने को लेकर या कोई और कपड़े साफ करने को लेकर, कुछ भी है। अच्छा, तो आप देखेंगे कि अब ये बताइए बाबा, इधर आइए, ये बताइए बाबा कि आप जो ये ट्यूबे लग रहा है, लंबी तैयारी है सरकार तो बुलाने की बातचीत के लिए, यानी पूरी गर्मी काटने के लिए तैयार हैं आप लोग? हाँ तैयार है, कोई नहीं, कोई महिला लोग तैयार है गर्मी कटने का, गर्मी काटने के लिए भी तैयार है। ठंड आपने बड़ी मुश्किल यहाँ झेली आप लोगों ने, ठंड 2 डिग्री तक तापमान चला गया था, अब गर्मी में भी 40 डिग्री के ऊपर तापमान जाएगा? हाँ जी बढ़ जाएगा, वो तो बढ़ ही जाएगा जी, पानी की दिक्कत बढ़ेगी बहुत। फिर खेत में किसान गर्मी में भी करता है और सर्दी में भी करता है, ठीक है, आंधी में भी करता है, तूफान में भी करता है, तो किसान व्यक्ति है ना, हर जगह भी काम कर सकता है किसान, कभी भी कोई भी है वो मुसीबत उसमें भी काम करता है, तो किसान के जो बच्चे है ना हर जगह काम कर सकते हैं, आंधी आए तूफान आए किसी से हार मानने वाले नहीं है। तो आप फिर पंखे कूलर का इंतजाम कैसे, क्या कर रहे हैं आप लोग हवा के लिए, क्या करेंगे? वो भी करना ही पड़ेगा जी, गर्मी में मर जाएंगे बाकी सारे। पंखे लगाए आप लोगों ने? पंखे लगाने पड़ेंगे, अभी तो लगाए नहीं है, कुछ के लगा रहे हैं, कुछ के लगा दिए, कुछ तैयारी चल रही है पंखे की, बाकी जैसे जैसे आगे टाइम आएगा एसी की तैयारी हो जाएगी। एसी भी लगाएंगे? हाँ एसी भी लगाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर सिंघु बॉर्डर में किसानों ने गर्मी की तैयारी कर ली है, ये देखिए यहाँ पर बोरवेल लगाया जा रहा है, यहाँ समरसेबल लगेगा और जो पानी की समस्या आ रही थी उसको दूर किया जाएगा, पंखे कूलर का इंतजाम किया जा रहा है और किसानों को लगता है कि सरकार जल्द नहीं पिघलने वाली है, इसीलिए गर्मियों का पूरा इंतजाम सिंघु बॉर्डर टिकरी बॉर्डर पर हो रहा है। पक्के टॉयलेट्स आप देखेंगे यहाँ पर, पक्के टॉयलेट्स भी बना दिए गए हैं पीछे यहाँ पर, कि टॉयलेट की समस्या यहाँ पर किसी को ना हो, किसानों को ना हो, कोई समस्या ना हो। तो ऐसे में देखेंगे कि किसान भी, जैसे सरकार लंबा खींच रही इस आंदोलन को, तो किसान भी जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं और आप देखेंगे किस तरीके से ये यहाँ पर बोरिंग हो रही है, पानी के इंतजाम किया जा रहा है, आप देखेंगे पक्की टॉयलेट्स बन गई हैं। तो किसानों को लगता है कि ये लंबी लड़ाई चलने वाली है, ठंड काटी है कड़ाके की, तो गर्मी भी ये लोग यहाँ पर काटेंगे और वापस तब तक नहीं जाएंगे जब तक तीनों कानून रद्द नहीं हो जाते हैं। सहयोगी एन रवि के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।